नमस्कार, हमारे चैनल में आपका पूरे दिल से स्वागत है। अगर आपके घर पे प्लांट्स हैं, चाहे गमले में, चाहे या छोटा सा किचन गार्डन है, तो ये वीडियो को देखने के बाद आप अपने प्लांट्स को खाद डालना भूल जाएंगे। अगर आप अपने प्लांट्स के लिए बाजार से मैन्योर लेके आते हैं, तो इस जानकारी को ध्यान से सुनिए। अब आपके घर में, आपके किचन में ही मौजूद है एक बहुत ही आसान और बहुत ही कामगार तरीका, जिससे आप अपने प्लांट्स के लिए 100% ऑर्गेनिक सुपर बायो एंजाइम तैयार कर सकते हैं। बस इसके बाद आपको अपने गमलों में कोई और मैन्योर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही आसानी से घर पे ही बन जाता है। बस इसके लिए आपको चाहिए 1-2 लीटर की सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल, सब्जियों या फ्रूट्स के छिलके, 100 ग्राम गुड़ और 1 लीटर पानी। तो आइए साथ में मिलके सुपर बायो एंजाइम लिक्विड मैन्योर तैयार करते हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि कितने आसानी से बन जाता है। सबसे पहले गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और इन छोटे छोटे पीसेस को अपनी प्लास्टिक की बोतल में भर लीजिए। उसके बाद जो भी आपने फ्रूट्स के पील्स लिए हैं, यहाँ पे हमने पपीते के पील्स लिए, केले के छिलके लिए, एप्पल के पील्स लिए, इनको आप छोटा छोटा काट लीजिए। और छोटा छोटा काट के एक मिक्सर जार लीजिए और उसमें फिल कर लीजिए। इसका हमने पेस्ट बनाना है। अगर आप इन छिलकों को बिना पेस्ट बनाए यूज करेंगे तो सुपर बायो एंजाइम बनने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि इसका डिकम्पोजिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। बट इसका पेस्ट बना के अगर आप यूज करेंगे तो डिकम्पोजिंग प्रोसेस काफी फास्ट हो जाएगा और ये 3 से 4 हफ्ते में ही आपका सुपर बायो एंजाइम तैयार हो जाएगा। तो आइए, पेस्ट बन गया है, ठीक है, थोड़ा इसमें थोड़ा पानी मिला लेते हैं और इसको अब एक फनल की हेल्प से बॉटल में भर लेते हैं। तो देखिए, ये बॉटल में फिल हो गया है, ऑलमोस्ट हाफ बॉटल आपकी भर गई है। आप पानी इसमें डाल दीजिए, ध्यान रहे ऊपर थोड़ी जगह छोड़ दीजिए, क्योंकि ड्यूरिंग डिकम्पोजिंग प्रोसेस गैस फॉर्मेशन काफी होती है और उसको स्पेस चाहिए होती है। अब हम ग्रीन वेजिटेबल के वेस्ट से बायो एंजाइम लिक्विड मैन्योर बनाते हैं। इन लीव्स का आप छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए, टुकड़े कर लीजिए और एक मिक्सी जार में फिल करके इसका भी पेस्ट बना लीजिए अच्छी तरह। पेस्ट बन चुका है। अब हम थोड़ा गुड़ लेते हैं। गुड़ को अगर आपको जल्दी डिजॉल्व करना है तो इस गुड़ को आप पानी में मिला लीजिए और थोड़ा बॉईल कर लीजिए। उसके बाद ठंडा कर लीजिए इसको और फिर यूज़ कीजिए। जब ये ठंडा हो जाए तो उसको बॉटल में फिल कर लीजिए। और इस पे आपने जो पेस्ट बनाया है वो पेस्ट भी डाल लीजिए बॉटल में और थोड़ा पानी मिला लीजिए बॉटल में। और याद रहे इसमें भी आपने थोड़ी खाली स्पेस छोड़ देनी है बॉटल में, ताकि अगर गैस फॉर्मेशन हो तो वहाँ पे गैस को स्पेस मिल जाए। आप ये गैस जो है हर दिन रिलीज करना मत भूलिए। ये हमारे बायो एंजाइम बनने के लिए रेडी हैं। हमने कुल 4 बोतल बायो एंजाइम्स बना लिए हैं। इसमें हमने फ्रूट पील से बायो एंजाइम बनाया है, सिट्रस फ्रूट पील से बायो एंजाइम बनाया है, ग्रीन वेजिटेबल से बायो एंजाइम बनाया है, एक हमने गार्लिक और ग्रीन चिल्ली को लेकर भी बायो एंजाइम बनाया है। देखिए, बॉटल में जो है बायो एंजाइम्स के रेडी हैं। यस, रेडी आपके थोड़े दिन के बाद होंगे, बट देन द प्रिपरेशन इज डन नाउ। कीप इट फॉर 3 डेज, नॉट इन द डायरेक्ट सनलाइट, बट कीप इट इन अ प्लेस जहाँ पे कोई बच्चे इसको छेड़े ना। अगर
अगर घर में आपके बच्चे नहीं है, आपको लगता है कि इसको ठीक जगह पे रख सकते हैं और डेली आप गैस रिलीज करना भूल सकते हैं, तो इसके ऊपर कैप निकाल के खाली कपड़ा लगा सकते हैं ताकि गैस जो है अपने आप रिलीज होती रहे। ये देखिए, हमने 4 बॉटल बायो एंजाइम्स रेडी किए हैं। दिस इज सिट्रस फ्रूट, ये ऑरेंज की पील से बना हुआ है। इसमें हमने खाली ऑरेंज के पील्स जो है पेस्ट बना के डाला है। ये ऑरेंज के पील से जो बना हुआ बायो एंजाइम्स है, इसको आप अपने फ्लोर क्लीनिंग के लिए या डिश वॉशिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू मिक्स इट विद द डिटर्जेंट, बट इससे आपके जो डिशेज हैं, आपके जो बर्तन हैं, वो एकदम साफ हो जाएंगे, सारे के सारे बैक्टीरियाज मर जाएंगे आपके बर्तन से। या फिर आप इसको अपने फ्लोर क्लीनर के साथ मिला के मॉपिंग कर सकते हैं फ्लोर पे। ये एक बॉटल देखिए, हमने गार्लिक और ग्रीन चिल्ली से सुपर बायो एंजाइम बनाया है। इसको एज अ पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं आपके प्लांट्स के पत्तों के ऊपर, जहाँ पे कीड़े वगैरह ज्यादा लग रहे हैं प्लांट्स पे। ये वेजिटेबल पील से बनाया है, हमने 2 बॉटल बनाई है। इसको एज अ लिक्विड मैन्योर यूज कर सकते हैं या फिर पत्तों के ऊपर डाल सकते हैं, पत्ते बहुत साफ और हरे भरे हो जाएंगे। आपको अब इसका यूज करना भी बताता हूँ। इसको जो है 1:100 के रेशियो में डाइल्यूट करना पड़ेगा। दैट मींस इन 1 लीटर ऑफ वाटर 10 ml ऑफ सुपर बायो एंजाइम मैन्योर, करीबन एक ढक्कन 1 लीटर पानी में अपने छोटे छोटे पॉट्स गमलों में डालिए या फिर ऊपर प्लांट्स के ऊपर पत्तों में स्प्रे कीजिए। जो गार्लिक से बना हुआ सुपर एंजाइम है, जिसको एज अ पेस्टिसाइड आपने यूज करना है, इसको 1:1000 के रेशियो में यूज कर सकते हैं। दैट इज 1 लीटर में 1 ml, दैट यानी एक बाल्टी अगर 20 लीटर की है तो उसमें 2 ढक्कन आप यूज कर सकते हैं और एज अ पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं उन प्लांट्स पे जिनमें कीड़े लग रहे हों। फ्लोर क्लीनिंग और डिश वॉशिंग के लिए भी 1:1000 के ही रेशियो में आपको यूज करना है सिट्रस बायो एंजाइम, विच इज बायो क्लीनर एंजाइम। अब इसने अगर पोछा लगाना है, 5 बाल्टी भर के पानी है, उसमें आपको 2 ढक्कन डालना पड़ेगा और उसके बाद आप पूरे घर में पोछा लगा सकते हैं। इससे आपके जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने जर्म्स हैं, सब मर जाएंगे। अगर 2 ढक्कन से ज्यादा भी आप यूज कर देते हैं तो यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज दिस इज कम्प्लीटली ऑर्गेनिक, और इसको ज्यादा या कम यूज करेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि आपको इस चैनल के थ्रू ऐसी कई जानकारियां और टिप्स मिलती रहती हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी नए नए वीडियोस, नई टिप्स अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये वीडियोस देख लें। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है तो आपको पता ही होगा कि इस चैनल पर आपको ये सारी टिप्स मिलती रहती हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बात पे जरूर कमेंट कीजिए। हम जल्दी ही हाजिर होंगे आपके साथ एक और बेहतरीन टिप के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।